करवदा के परशुराम चौक में 108 फीट ऊंचे ध्वजारोपण आज। करवदा शहर के लोहारा नाका स्थित परशुराम चौक पर आज 108 फीट ऊंचे स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराया गया। श्री जानकी रमन प्रभु देवालय से कलश यात्रा निकालकर ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद पीजी कॉलेज ग्राउंड में धर्मसभा का आयोजन हुआ, जिसमें डांडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती धर्मसभा को संबोधित किया गया। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के कोने कोने से स्नातक अनुयायी शामिल हुए। इसी क्रम में बेमतरा जिला मुख्यालय से सैकड़ों की संख्या में सनातनी सहित किसान नेता के नेतृत्व में आज गाड़ियों के काफिले के साथ शामिल होकर करवदा के लिए रवाना हुए है। इस संबंध में किसान नेता ने बताया कि बेमतरा विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों सनातन अनुयायी शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए गांव-गांव में बैठक कर कार्यक्रम की महत्ता और भव्यता की जानकारी दी गई है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू परंपरा के अनुरूप 108 फीट का भगवा झंडा श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के नेतृत्व में अवर्धा में फहराया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज बेमतरा विधानसभा के सनातन धर्म से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए सभी सनाती हजारों की संख्या में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के अवसर में कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहाँ सभी समाज के लोग प्रेम भावना से हम लोग रहें, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करें और हिंदू राष्ट्र है भगवा झंडा का सम्मान करें, यही बोलना चाहता हूँ। और इसी कार्यक्रम में हम लोग शामिल होने के लिए आज का वर्धा बस सैकड़ों गाड़ी काफिला में हम लोग रवाना होने वाले हैं।